होपफुली हम वन साइड ही जीतेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सारे के सारे मैच इंडिया ने जीते हैं। न्यूजीलैंड उसमें 4 मैच हार चुकी है, तो और क्राउड का भी जो प्रेशर होता है ग्राउंड में, उसको देखते हुए इंडिया ये मैच वन साइड ही जीतेगी। प्लेयर फेवरेट है, सबसे ज़्यादा किस प्लेयर पे उम्मीद है सर? विराट कोहली पे ही है, क्योंकि उसका अभी 50वां शतक भी बचा हुआ है, और शमी और बुमराह के ऊपर बड़ा मैच डिपेंड करता है। इंडिया जीतेगा क्योंकि लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, 9 के 9 मैच जीता हुआ है, और सारे बॉलर्स, फील्डर, स्पिनर और अपने ओपनर सारे फॉर्म में हैं। इसकी नजर से इंडिया को तो आए मैच अच्छी रनों से जीतना चाहिए आज। तो सबसे ज्यादा किस प्लेयर पे उम्मीद है सर? सारों के प्लेयरों के ऊपर है, बॉलर अपना काम करें, बैट्समैन अपना काम करें, स्पिनर अपनी विकेटें ले, तो मैच अपना आएगा ही आएगा जरूर। जरूर सी जरूर, आज तो 2:30 बजे पूरा मैच के देखने बैठ जाएंगे हम तो। आज हम लोग ने ट्रॉफी लाया है, हम लोग इस बार 2023 में हम ही जीतेंगे, और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग की टीम। और आज मैं सिद्धिविनायक जाके आया हूँ, प्रसाद वगैरह लेके आया हूँ, तो सब मन्नत वगैरह मांग के आया हूँ कि अपना ये टीम जीतेगा। टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, उसके लिए इंटायर वर्ल्ड में हर कोई क्रिकेट फैन वेट के हैं। जिस तरीके से हमारा टीम भारत ने उनका जीत जाहिर रखे हैं, उस तरीके से ये मैच भी वो जीत जाहिर रखे इंटायर टीम भारत। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 15 फीट का क्रिकेट बैट और उसके साथ स्टेडियम ये रिक्रिएट किए हैं सैंड में, हमारा टीम भारत को बेस्ट विशेस देने के लिए। हमने यहाँ माँ गंगा से बाबा विश्वनाथ, जो काशी की पौराणिक नगरी है, काशी की जनता के साथ माँ गंगा की आरती उतारकर और टीम इंडिया का हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ प्रार्थना की है, और यह आह्वान किया है कि हम सब मिलकर अपनी टीम इंडिया के अजेय रथ को आगे बढ़ाएं, और हम सब मिलकर अपनी भारतीय टीम के हौसले को बुलंद करें।